लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं अर्चना आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। बुरहानपुर में एक शिक्षक ने महिला अतिथि शिक्षिका को किए अश्लील मैसेज। पीड़ित शिक्षिका व उनके परिजनों ने तंग आकर शिक्षक की जमकर की धुनाई। खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरीयाल ने पौधारोपण अभियान के तहत ज्योतिबा फूले पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में किया पौधारोपण। प्राचार्य को दिए पौधों की देखभाल के निर्देश। पंधाना के 70 कांवड़ यात्रियों का जत्था उज्जैन के लिए हुआ रवाना। कांवड़ यात्री 7 दिन में पहुंचेंगे उज्जैन। बुरहानपुर की शासकीय हरिपुरा कन्या उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ खेल शिक्षक हितेंद्र शाह को अपने ही स्कूल की महिला अतिथि शिक्षक को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजना काफी महंगा पड़ गया। पीड़ित शिक्षिका व उनके परिजनों ने तंग आकर इस शिक्षक की जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपित शिक्षक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के परिजनों ने बताया, यह शिक्षक कोई आजकल से अश्लील मैसेज नहीं कर रहा, बल्कि काफी समय से यह हरकत कर रहा है। हालांकि इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से की, लेकिन खेल शिक्षक हितेंद्र शाह के रसूख के चलते प्रबंधन अपने स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की और परिजनों को अपने स्तर पर कार्यवाही करने की सलाह दी। इससे आरोपित शिक्षक के हौसले बढ़ गए और महिला अतिथि शिक्षक को ऐसे ही तंग करता रहा। आखिरकार शिक्षिका और उनके परिजनों के सब्र का बांध टूटा और शिक्षक इस हरकत के लिए सबक सिखाने के लिए परिजनों ने आरोपी शिक्षक की जमकर मरम्मत की। अब परिजन पुलिस को शिकायत ऐसे दरिंदों को कन्याशाला से हटाने व उनके किए की सजा दिलाने के लिए शिकायत करने की बात कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस स्कूल पहुंची तो आरोपित शिक्षक ने पुलिस और मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूला और कहा गलती से मैसेज हो गया था। शाला की प्राचार्य हज यात्रा में जाने से अवकाश में प्रभारी प्राचार्य ने पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञता जताते हुए कहा, अगर खेल शिक्षक द्वारा स्कूल की महिला अतिथि शिक्षक को अश्लील मैसेज किया तो आरोपित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। गलती हो गई थी, गलती से मुझे तो माफी मांगी तुमने? माफी मांगी मैंने। क्या बोल रहे हो यहाँ पे? क्या हो यहाँ पे? वो कह रहे हम नहीं माफ करते। अरे यार आपका काम करो यार। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र शाह। क्या हो यहाँ पर? शिक्षक हो? वो मैडम कौन थे? वो भी शिक्षक थे आपके स्कूल में? क्या वारदात यहाँ पर हुई है, क्या घटना कर रही है? ये मेरी वाइफ को गंदे गंदे मैसेज कर रहा था कि बहुत ही मतलब ऐसे गंदे मैसेज करा कि जो मैं बता नहीं सकता आपको, तो इस वजह से हमने ये कार्रवाई की कि इसको सबक मिलना चाहिए। ऐसे इसकी शिकायत पहले भी मैंने सुना यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन उस शिकायत को दबा दिया गया। किसी की कोई टीचर की हिम्मत नहीं थी कि इसको सामने ला सके। तो मैसेज ये 4-5 दिन से कर रहा है, वो क्या नाम है, कोई शाह सर है यहाँ पे, PT सर है, वो बहुत गंदे गंदे मैसेज करता है। उसकी शिकायत की क्या हमने पुलिस में? पुलिस में तो नहीं की, पुलिस में कंप्लेंट FIR लिखाना है। बाकी ये यहाँ पे हमने शिकायत की थी ऑफिस में प्रिंसिपल को, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था कि आप बाहर बाहर अपना देख लो। ऐसा क्या मतलब दबंगा ही है क्या? अब पता नहीं, वो मुझे पता नहीं ऐसा क्या है। अब क्या चाहते हो आप? बस उसकी FIR हो और उसको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए। मेरे को मतलब ये सो यहाँ पे और भी लड़कियाँ पढ़ती है, उनको भी गर्ल्स स्कूल है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए यहाँ पे, टीचर नहीं होना चाहिए। मैं आज जिला पंचायत में मीटिंग में गया था और सुबह 10:30 बजे से वहीं था। वहाँ से मैं जब आया यहाँ पर तो आने के 10 मिनट बाद मालूम पड़ा कि यहाँ बाहर कुछ गेट पर किसी की मारपीट हुई। फिर उनके बाद ये मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर शाह सर से मारपीट हुई। अब किस संबंध में हुई उसे मुझे अभी कोई जानकारी मुझे नहीं है। खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरीयाल ने पौधारोपण अभियान के तहत ज्योतिबा फूले पॉलिटेक्निक कॉलेज के सावित्री छात्रावास परिसर में पीपल और अशोक का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य CG दबू को लगाए गए पौधों की सिंचाई व सुरक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर महाविद्यालय के व्याख्याता व
कर्मचारी गण मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर ने छात्रावास भवन का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पंधाना के 70 कांवड़ यात्रियों का जत्था उज्जैन के लिए रवाना हुआ। मढ़ि मंदिर से दर्शन कर जल भरकर ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाकर मैया नर्मदा का जल लेकर उज्जैन के लिए रवाना हुए। पंधाना में जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम हुआ। कांवड़ यात्री 7 दिन में उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन से महाकाल को जल चढ़ाकर क्षेत्र की सुख शांति, समृद्धि व अच्छी बारिश की कामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि हीरा सिंह राजपूत ने आज जैसी नगर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री प्रतिनिधि ने कहा कि जैसी नगर के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बांदकपुर के शिव मंदिर की तर्ज पर नगर के प्राचीन शिव मंदिर का भव्य तरीके से जीर्ण उद्धार किया जाएगा। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। झुनकी के जनता को बड़ी उम्मीद है, मंत्री मिला है इस बार, तो विकास की क्या रूपरेखा है, आज आपने निरीक्षण भी किया? देखिए, मैं वहाँ बता रहा था कि 3 महीने लोकसभा के चुनाव में अधिसूचना में लग गए, 2 महीना किसान कर्ज माफी में लग गया, अब हमारे ही काम शुरू हो चुके हैं। आज पूरे हमारे पंचायत के सभी पदाधिकारी वरिष्ठ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एक एक काम हम लोग देख रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ता, हमारी आम जनता कह रही है। पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, अभी देखा आपने भाजपा कार्यकाल का मंगल भवन यहाँ बैठे थे, उसकी फोटो यार खींच लो आप। भाजपा कार्यकाल वो है, वो कांग्रेस कार्यकाल जो रहेगा उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लखनादौन के पठेरा आश्रम में 16 जुलाई से 13 सितंबर तक चातुर्मास समारोह कार्यक्रम चल रहा है। समारोह में लखनादौन के संपूर्ण क्षेत्र से जनता पीठाधीश्वर नारायण नंद के प्रवचनों को सुनने पहुंच रहे हैं। इस सत्संग में लगभग 15 प्रांतों से, अलग अलग स्थानों से भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। इस दौरान नारायण नंद जी ने पीठाधीश्वर का अर्थ बताया। लखनादौन से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी जी, मठाधीश्वर और धर्म पीठाधीश्वर में क्या अंतर है? हाँ, धर्म पीठ है, पीठ माने होता है पीढ़ा, क्या है, जैसे पीढ़ी में कोई बैठता है ना, तो पीठ माने होता है वह स्थान बैठने का जहाँ वो बैठता है, तो धर्म भी एक पीठ होता है, धर्म भी एक पीठ है, और उस धर्म की ऊपर जो स्थापित होता है उसे धर्म पीठाधीश्वर कहते हैं। जैसे ज्योतिष पीठाधीश्वर, क्या है नाम है ज्योतिष पीठाधीश्वर, जैसे नाम है, और अलग अलग पीठों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग पीठों के नाम होते हैं। धर्म पीठ का भी एक नाम है कि धर्म पीठ में बैठने वाला धर्म पीठाधीश्वर कहा जाता है। उस पीठ में जो बैठने वाला अधिकारी होता है और मूर्धन्य विद्वान होता है, पवित्र श्रेष्ठ वेदों का विद्वान ब्राह्मण होता है, और पवित्र वेदों के विद्वान ब्राह्मण होता है, और उसमें गुरु की सम्मति हो, क्योंकि गुरु कृपा के बगैर कोई और गुरु नहीं बन सकता है। सर्व सिद्धि का मूल गुरु की प्रसन्नता होती है, और गुरु की प्रसन्नता जब प्राप्त कर ली जाती है, और गुरु जब उस पीठ में बैठने का अधिकार देता है, विद्वान लोग जब उस पीठ में बैठने का अधिकार देते हैं, ऋषि मुनि सब मिलकर के, विद्वान लोग मिलकर के जिसका अभिषेक कर देते हैं कि तुम इस पीठ पर बैठो, तो उसे उस पीठ में बैठ करके और धर्म रक्षा का बढ़ाने का काम करना चाहिए, आसक्ति को छोड़ करके काम करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कहते हैं अपने कर्मों को शुद्ध करो, और बहुत से लोग कहते हैं अपनी इच्छाओं को शुद्ध करो, लेकिन देखना है कि कर्मों का मूल क्या है, इच्छा, और इच्छा का मूल क्या है, ज्ञान। यदि हमारा कर्म शुद्ध, यदि हमारा ज्ञान शुद्ध होगा तो हमारी इच्छा भी शुद्ध होगी। अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।